नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं अलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज भर्ती बोर्ड 11 अप्रैल की अपडेट क्या हुआ, डीजी सर से क्या मुलाकात हुई, क्या उनसे चर्चा हुई और किस बात पे उन्हें अपने हामी भरी, इन सब के बारे में इस सेशन में आपको मैं बताऊँगा। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और सेशन को लाइक ज़रूर कर लो। UPSI सिविल के बारे में हम चर्चा करेंगे इस सेशन में, UPASI मिनिस्ट्रियल के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में ही एक छोटा सा अपडेट UPSSSC के लिए आया है उसकी भी चर्चा करेंगे। अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा मुझे लगा कि एक ही मैं आपको बता दूं, भले ही 10-20 सेकंड वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि जो बात पिछले 7 अप्रैल को जहां पे एंड हुई थी, मैम ने ये बोला था कि आप डीजी सर से मंडे को मुलाकात कर लीजिए। बच्चों ने गए, दो अलग अलग ग्रुप में गए, कुछ बच्चों की अलग डिमांड थी, कुछ बच्चों की अलग डिमांड थी। हालांकि ओवरऑल जो थीम थी वो यही थी कि जो UPASI का कट ऑफ इतना हाई गया है उसमें दो तीन मुद्दे हैं। एक तो आपका जो ओवरलैपिंग वाला था, दूसरा मुद्दा ये था कि फर्जी सर्टिफिकेट वाला, इसमें बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट का ये चल रहा है ना। और तीसरी बात ये है कि जो स्कोर शो कराने की बात हुई उस पर भी कहीं ना कहीं स्कोर शो कराया जाए, ये बात रखनी थी। हालांकि डीजी सर ने ये बात तो बहुत ही पुष्टि, इस बात की बहुत आसानी से पुष्टि कर दी है कि जो अगर वहाँ पे सीट कोई भी वैकेंट जाती है तो जाहिर सी बात है कि दूसरी तीसरी या और भी जो लिस्ट हैं वो जरूर वो जारी करेंगे, उसमें उनका कोई दिक्कत नहीं है। और भर्ती बोर्ड ने ये पहले से भी सोच के भी रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी एक छोटी सी डिमांड थी और उस पर वो हाँ ही भर रहे हैं। उस दिन भी मैम ने बोला था और भी एक एडिशनल डीजी जी से भी बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे डीजी सर ने भी इस बात के लिए पुष्टि कर दी है कि अगर कोई भी सीट वैकेंट जाती है तो लास्ट तक भले ही, अब लास्ट तक इसका मतलब ये नहीं कि अगर सीट वैकेंट जाए ही ना, अगर कट ऑफ 157-156 क्वेश्चन अभी गई है, बाद में 140 तक जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 80 तक आएंगे ही आएंगे। उनका कहना है कि टिल लास्ट सीट फिल होने तक, जहाँ तक कट ऑफ जाएगी उतना तक वो लेके जाएंगे, ये बात आप समझते रहिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना होप खो दो, आप अपनी तैयारी रखो, क्योंकि दो तीन फैक्टर इसमें काम कर रहे हैं। एक तो फर्जी सर्टिफिकेट वाला काम कर रहे हैं, दूसरा फैक्टर काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं वो ओवरलैपिंग का है, तो उसके कारण भी सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट का आना, सेकेंड लिस्ट का तो आना कन्फर्म ही है ये मान के चलो, थर्ड लिस्ट का इतना भी नहीं कहा जा सकता है। तो ओवरलैपिंग वाला मुद्दा और सर्टिफिकेट वाले मुद्दे पे तो उन्होंने हाई भर ली है। स्कोर वाले मुद्दे पे उन्होंने क्या कहा है कि देखिए, स्कोर वाले की जो प्रक्रिया है उनकी जो नियमावली कहती है उसी नियमावली पे वो भी चलेंगे। ये आपको भी पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि भर्ती बोर्ड में एक अधिकारी या दो अधिकारी ही चीज़ें सब कुछ डिसाइड कर देता है, ये पूरा का पूरा एक कमेटी होता है, पूरी की पूरी टीम होती है। कोई नियमावली बनाता है, कोई उसको जांचता है, कोई उसकी समीक्षा करता है, सब अलग अलग एक वो होते हैं। तो जो नियमावली बन गई उस नियमावली पे डीजी सर भी बोल रहे हैं कि जो विज्ञप्ति में लिख गई जो नियमावली में है वही चीज़ फाइनली भी माना जाएगा। स्कोर की बात पूर्व की भांति जैसे वो सबसे लास्ट में जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं केवल उनका मार्क्स शो करते हैं, तो ठीक है जो सेलेक्ट है उनका ही मार्क्स शो कर दें। लेकिन एक यहाँ पे मुद्दा है कि एटलीस्ट भले पहले नहीं होता था, इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी नहीं हो सकता, मार्क्स उन्हें शो करना चाहिए। वो बच्चा जो इतनी सारी मेहनत करता है और एक नंबर दो नंबर से रह जाता है, उसे ये परखने का मौका मिलना चाहिए कि आखिर उसकी गलती हुई कहाँ है, ताकि वो आगामी परीक्षाओं में उस चीज़ को और बेहतर तरीके से सुधार कर सके। तो मार्क्स नहीं शो करना ये मेरे हिसाब से तो गलत है। अब भर्ती बोर्ड क्यों यहाँ पर नई चीज़ों को मान रहा है ये मुझे नहीं पता है। तो आपको आश्वासन इतना मिल गया है, पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी जो स्किल प्रैक्टिस है उसको करते रहो। स्किल प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि फिर आप केवल एक घंटा दो घंटा स्किल प्रैक्टिस करो और इस रूप में बैठे रहो कि हमारा हो ही जाएगा, अन्य परीक्षाओं पे ध्यान मत दो। नहीं, आप अभ्यर्थी वर्ग हो जहाँ पे 6 घंटे मेहनत कर सकते हो, 1-2 घंटा मेहनत और कर सकते हो, ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, तो थोड़ी सी एफिशिएंसी अपनी बढ़ाओ, साथ में स्किल टेस्ट भी अपना करते रहो। आप चाहे स्टेनो वाले हो, आप चाहे क्लर्क वाले हो, चाहे अकाउंटेंट वाले हो, ठीक है, थोड़ा बहुत वो करते रहो। साथ में आपकी जो अन्य परीक्षाएं हैं उसकी भी तैयारी करते रहो, क्योंकि आप ही अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, आप ही अपना भला और बुरा समझ सकते हो, कोई अन्य आपके लिए करने नहीं आएगा, ना ही बताने आएगा। मैं आपको केवल एक वो बता सकता हूँ कि देखिए ये गलत हो जाएगा, ये मत करो, ठीक है, ये बात समझते हुए चलिएगा। दूसरी बात कि UPSI का अभी रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है, और एक मुद्दा उठ के आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो UPSI वाले हैं, वो उनका अगर रिजल्ट पहले आ जाता तो कहीं ना कहीं वो UPSI की पोस्ट ले लेते हैं, नागरिक पुलिस वाले की, सिविल वाले की, तो इधर वाली सीट थोड़ी वैकेंट जाती तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा और नीचे आएगा। ये बात बहुत सही भी है, और सबसे बड़ी बात है अभी कल को इससे पहले के दिन उस पर ट्विटर कंपेन भी किया गया, हालांकि नंबर 1 पे ट्रेंडिंग पे भी आया। लेकिन मैं एक बात बच्चों आपको बता दूं कि यूपी
उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती बोर्ड है और अन्य अभी चाहे अधीनस्थ हो या उत्तर प्रदेश की जो एजेंसियां हैं या भर्ती बोर्ड हैं या आयोग है, मैं आपको बता दूं ट्विटर से उन पे कुछ खाक फर्क नहीं पड़ता। ऐसे एक नहीं सैकड़ों ट्विटर कंपेन हुए हैं, नंबर एक पे गया नंबर, मैं अपोज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात को समझना बहुत अच्छे से कि हम केवल यहां तक सीमित नहीं रह सकते। अगर आप लिटरली रिजल्ट चाहते हो तो आपको वहां से संस्थान से उतर के अपने घरों से निकल के भर्ती बोर्ड आना पड़ेगा। और टीम परीक्षा प्लस जैसे कि यूपी एएसआई की है, ठीक आपके लिए यूपी एएसआई के लिए भी उसके रिजल्ट घोषित होने के लिए और उसकी प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से करवाने की, उसके जो रनिंग है उसकी जो डीवीपीएसटी है उसको जल्द से जल्द कराने के लिए एक बार हमें भर्ती बोर्ड की तरफ यूपी एएसआई नागरिक पुलिस के लिए भी कूच करना पड़ेगा। तो मैं तभी कर पाऊंगा जब आप लोग मेरे साथ आओगे। यदि आप मेरे साथ आते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि हाँ सर मैं आ रहा हूँ। आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक लगा दी जाएगी, सभी बच्चे देखो। सबसे प्रथम काम ये होता है कि आप एक जगह इकट्ठा हो जाओ। वो इकट्ठा कैसे होगे, टेलीग्राम की एक लिंक बना दी जाएगी, आप वहां पे इकट्ठा हो जाओ। मैं जानता हूं कि जब यूपीएसआई में हमने इतने कम बच्चों में 38,000 बच्चों में जब 1,000 बच्चे इकट्ठा कर लिए तो यहां पे तो लाखों लाख बच्चे हैं और यहां पे हजारों बच्चों को हम कलेक्ट कर लेंगे। और यकीन मानो अगर 1,000 से 1,500 बच्चा भी भर्ती बोर्ड पहुंच गया तो पूरा का पूरा भर्ती बोर्ड हिल जाएगा। तो बस इतना सा करना है, आपको इकट्ठा होना है। डिस्क्रिप्शन लिंक में यूपीएसआई नागरिक पुलिस वालों के लिए ग्रुप बनाया जा रहा है, उस ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइए। और के बाद क्या डेट होगी, कैसे हमें भर्ती बोर्ड के सामने बात रखनी है और कैसे हमें अपनी बात मनवानी है, बहुत कम समय में बहुत जल्द से जल्द चीजें करेंगे। क्योंकि आपने देखा कि अभी आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी और ऐसा करते करते 2 वर्ष निकल जाएंगे, फिर आपकी जाके ज्वाइनिंग होगी। तो इन सबको सुचारू रूप से जल्द आपके हाथ में नौकरी आए, आपका जीवन थोड़ा सार्थक हो, इसलिए एक हमें मुहिम चलानी होगी और उस मुहिम के लिए मैं आपका साथ चाहता हूं। तो कमेंट में जरूर मुझे बताएं कौन कौन बच्चे साथ हैं और ग्रुप से जरूर जुड़े। तीसरी बात यह है कि यूपी ट्रिपल एससी ने अभी आज जूनियर असिस्टेंट की डीवी चल रही थी तो 16 अप्रैल को उसका ये जो 2018 जेई वाली परीक्षा थी उसके कारण वो उस दिन का थोड़ा सा पोस्टपोन करके 2 मई को कर दिया। एक छोटी सी खबर यह है, तो ये आप जाने रहिए। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन यूपीएसआई नागरिक पुलिस के लिए भर्ती बोर्ड मेरे साथ आ रहे हैं, डेट मैं डिसाइड करूंगा। जय हिंद, जय भारत।